कुल्हड़ पिज्जा आज हम बनाने जा रहे हैं दोस्तों। अगर आपके पास छोटी मटकी हो तो उसमें भी आप इसको बनाया जा सकता है। तो दोस्तों इसका स्वाद इतना लाजवाब है, इसको बनाने के बाद आप कुछ और ट्राई नहीं करने वाले। पिज्जा की वैरायटी बाजार में अलग अलग मिलती है, तो आज से अपने रेसिपी में इसको भी शामिल कर लीजिए। नमस्कार, मसाला भाई माला के चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले इसके लिए ले लेंगे कुछ सब्जियाँ। मैंने ले लिया एक प्याज, एक शिमला और एक टमाटर। शिमला को हम चकोर काट लेंगे, छोटा और चकोर। ये देखिए इस तरह से पीसेस काटने हैं, बहुत बारीक नहीं काटना है। उसी तरह से प्याज को भी काट लेंगे। कहाँ से वीडियो देख रहे हैं जरूर मेंशन कीजिए स्टेट का नाम दोस्तों, और नीचे बेल का निशान रहता है उसे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो प्याज को भी इसी तरह से छोटा और चकोर काटना है। टमाटर के बीज को निकाल देना है, इसको भी चकोर और छोटा काटना है दोस्तों। तो दोस्तों ये देखिए तीनों सब्जियां मैंने कट कर ली। अब आगे का प्रोसेस, इसका स्वाद इतना बेहतरीन है दोस्तों, एक बार बनाइए, अपने कमेंट आकर कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए मेरे हौसला अफजाई के लिए। गैस ऑन करके रख लिया पैन। पैन में डाल लेंगे एक बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल। इसमें डाल लेंगे प्याज, डाल लेंगे टमाटर कट किया हुआ छोटा, डाल लेंगे शिमला। इसको 2 से 3 मिनट ही भूनना है, हल्का सा इसका कच्चापन दूर करना है। प्री बॉइल 1/4 कप मैंने ले लिया कॉर्न दोस्तों, इसको भी अच्छे से भून लेंगे। बहुत ज्यादा कुक नहीं करना है, हल्का ही कुक करना है। तो दोस्तों ये देखिए हल्का सा ये कुक हो गया है। गैस हमारा लो मीडियम में चल रहा है। इसमें कुछ फ्लेवर के लिए चीजें ऐड करेंगे। ये मैंने सॉस, हमारी डेली की सॉस, 2 बड़े चम्मच सॉस और 1 से 2 बड़े चम्मच मेयोनीज डालेंगे। सभी सब्जियों को इन दोनों चीजों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए सब्जियों के संग सॉस और मेयोनीज मर्ज हो गई। यहाँ डालेंगे ऑर्गेनो, पिज्जा में ऑर्गेनो डलता है आपको पता ही है। तो दोस्तों 1 छोटा चम्मच ऑर्गेनो और 1 छोटा ही चम्मच चिली फ्लेक्स। ये देखिए आप शिमला हरी की जगह लाल भी डाल सकते हैं, पीली भी डाल सकते हैं, तीनों ऐड कर सकते हैं। तो सब चीजों के साथ हमने मिक्स कर दिया, थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये देखिए ये हमारा रेडी पर है, सब चीज अच्छे से मर्ज हो गई है। यहाँ पर 2 मैंने ब्रेड ले ली, ब्रेड आप कोई से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको भी मैंने चकोर और छोटा काट लिया है। तो दोस्तों ये मैं ऐड कर लूंगी सब्जियों में। गैस मेरा बिल्कुल लो पर है और सारी चीजों को ब्रेड के संग अच्छे से मिक्स कर देंगे। बिल्कुल टाइम नहीं लगता, फटाफट 4 से 5 मिनट में आपकी ये सारी चीजें रेडी। तो ये हमारी रेडी है, गैस ऑफ कर दी। मैंने ले लिए कुल्हड़, मटकी हो छोटी वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले डाल देंगे थोड़ी सी सब्जी और ले लिया है मैंने चीज, जो पिज्जा चीज होता है ना दोस्तों, क्रश के वह दुकान में भी मिलता है। ये देखिए ये मैं क्रश करा ही लाई थी। तो थोड़ा सा चीज डाल देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, ऊपर से सब्जियां, फिर डाल देंगे चीज। तो नीचे चीज, फिर सब्जी और फिर चीज, फिर दूसरे में भी यही करेंगे, नीचे सब्जी फिर चीज। ये देखिए सब्जी, नीचे चीज, सब्जी और फिर चीज। ये देखिए इस तरह से चीज आप कम ज्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये छोटी सी प्यारी प्यारी सी कुल्हड़ में हमारी कुल्हड़ चीज पिज्जा बनने को रेडी है। तो गैस ऑन कर देंगे, थोड़ा ध्यान से पकाएंगे। गैस रखेंगे बिल्कुल लो पे, लो एंड लो मीडियम पे गैस चलेगी। तो स्टार्टिंग में लो पे ही रखिए, और क्योंकि हाई करेंगे तो कभी कभी जो है कुल्हड़ और या जो भी मटके लेंगे फटने का चांस रहता है। तो धीरे पे ही रखिए, और ऊपर से अगर ढक्कन हो सके तो 1 बाय 1 करके पकाइए। ढक्कन से हल्का सा ढक देंगे तो फटाक से चीज मेल्ट हो जाएगी। तो चीज देखिए हल्के से मेल्ट हो रही है, देख रहे हैं दोस्तों। गैस को धीरे रखिए, ये जरूरी है इसके बनाने के लिए। ये देखिए धुआं निकल रहा है, प्यारे प्यारे कुल्हड़ कितने अच्छे लग रहे हैं दोस्तों। नीचे बेल का निशान रहता है उसे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। और इसका टेस्ट आपको कैसा लगा जरूर जरूर कमेंट कीजिए मेरे हौसला अफजाई के लिए। ये मैंने जरा सा ढक्कन से ढक दिया जरा से देर, ये पूरी हमारी जो चीज है मेल्ट हो गई, बस ये रेडी है। इतना ही हमने इसको कुक करना है। तो तीनों को मैंने उतार लिया, तीनों की चीज अच्छे से मेल्ट हो गई है, देख रहे हैं दोस्तों। तो लो पे, लो एंड लो मीडियम पर हमारा गैस चल रहा था। अब चलिए कुछ डाल लेते हैं टॉपिंग। ये है हमारा चिली फ्लेक्स और ऑर्गेनो, थोड़ा थोड़ा सा 2-2 चुटकी, बस रेडी टू ईट। स्ट्रीट स्टाइल कुल्हड़ पिज्जा रेडी है। इसको खुद खाइए, बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं एज इट इज पैक करके, और खास मौकों पर अपने दोस्तों के लिए भी बनाकर खिलाइए। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
जाते जाते एक लाइक तो जरूर करके जाइए वीडियो को। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।